स्ट्रेस, परेशानी, दुख, दर्द सबकी लाइफ में होता है। मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरी लाइफ में भी बहुत सारी परेशानियाँ थी, परेशानियाँ हैं। रोज़ हम कुछ ना कुछ ऐसा फेस करते हैं जिसकी वजह से हमें एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, लेकिन जो लोग उसे मैनेज करना जानते हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिन लोगों को फ़र्क पड़ जाता है वो इसके अंदर फंस जाते हैं और ये एंजाइटी एक डिसऑर्डर के रूप में बन जाती है। तो आज मैं इसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लाई हूँ, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे स्पेशली मेल किया था ये स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे हम अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, क्या क्या वो ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं जो आप अपनी डेली लाइफ रूटीन में फॉलो कर कर इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, आप लोग मेरी वीडियोस वीक में 3 बार या 2 बार देखते होंगे, तो आप लोग सोचते होंगे ये कैमरा के आगे अगर मैं मुस्कुरा रही हूँ तो क्या मेरी पिछली लाइफ में या पीछे कुछ नहीं होता है। बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज भी हैं, लेकिन हर चीज़ से लड़कर मैं भी आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने बस ठान रखा है कि मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है। हाँ, बहुत सारी चीज़ों में बहुत बार मैं मुस्कुराना भी भूल जाती हूँ, बहुत बार मैं बहुत दुखी भी हो जाती हूँ, कई बार कुछ ऐसे कमेंट्स भी आ जाते हैं जिसकी वजह से मुझे परेशानी और एंजाइटी होने लगती है, लेकिन फिर से मैं उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करती हूँ जिसकी वजह से मेरा स्ट्रेस मैनेज रहता है। आजकल हमारी लाइफ ही ऐसी है कि हम कुछ भी कर लें हम स्ट्रेस में आ ही जाते हैं। स्ट्रेस से दूर भागना कोई सोल्यूशन नहीं है, यकीन मानो स्ट्रेस हर इंसान की लाइफ में है। हम तो चलो बड़े हैं, आजकल छोटे छोटे बच्चों को स्कूल का स्ट्रेस, कॉम्पिटिशन और पता नहीं किस किस चीज़ का स्ट्रेस है, तो हम अपने घर में सबको ये स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सिखा सकते हैं। उसके लिए वीडियो को आपको पूरा देखना है, ढंग से फॉलो कीजिएगा और बहुत आसान है सच में स्ट्रेस मैनेजमेंट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेकिन इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, लाइक करेंगे, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस तभी लाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक वीडियो। दोस्तों, एंजाइटी जिसे हम स्ट्रेस भी कहते हैं, जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स आपको देखने के मिलते हैं, आपको काफ़ी लो फील होता है, कभी कभी उठने का मन नहीं करता है, किसी से मिलने का मन नहीं करता है, बात करने का मन नहीं करता है, हाथ पैरों का ऐसा लगता है जान से निकल गई है, हम चाहें ना चाहें टेंशन हम ले रहे हों अपने दिमाग में ना ले रहे हों, कभी कभी बिना किसी रीज़न के भी आपको एंजाइटी हो जाती है। ये एंजाइटी बिल्कुल कॉमन होती है और हर किसी को होती है, लेकिन यही चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में हो जाती हैं तो उसे हम एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, जिसका इलाज बहुत ज़रूरी है। ऐसे केस में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको अपने आप को एक ट्राई देना चाहिए, जो मैं चीज़ें बताने वाली हूँ उसको आपको ठीक से फॉलो करना है। देखिए, आप कभी भी कुछ भी करें, पूरा अपना दिन आप चाहे कितना भी हैक्टिक रखें, लेकिन मॉर्निंग में अगर आप अपने लिए 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज के निकाल लेते हैं तो उससे आपके बॉडी के अंदर पॉजिटिव हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जिससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलती है और आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। इसके साथ आप थोड़ी देर योगा और मेडिटेशन भी कर सकते हैं, 15 से 20 मिनट आपको योगा एंड मेडिटेशन भी ज़रूर करना है, इससे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी बनी रहती है, क्योंकि योगा एंड मेडिटेशन से आपको इनर पीस मिलती है, एक खुशी मिलती है, जिससे पूरा दिन आपका खुशी खुशी निकल जाता है। तो कंक्लूजन है कि 1 घंटा तो आपको एक्सरसाइज एंड योगा ज़रूर करना चाहिए। आपको थोड़ा सा अपनी डाइट चेंज करने की भी ज़रूरत है, अगर आप काफ़ी अनहेल्दी डाइट लेते हैं तो आपको ये स्ट्रेस और एनजाइटी फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये आपके अंदर फ्री रेडिकल्स भी बढ़ा देता है, आपको स्किन एंड हेयर की प्रॉब्लम, नेल्स की प्रॉब्लम और बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपके स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मेक श्योर कि आप अपनी डाइट को थोड़ा सा चेंज करें, अनहेल्दी डाइट से हेल्दियर ऑप्शंस की तरफ जाएं। आप अपनी डाइट में ग्रीन टी शामिल कर सकते हैं, येलो कलर के फ्रूट्स जो आते हैं उन्हें शामिल कर सकते हैं, आप अश्वगंधा भी ले सकते हैं, अश्वगंधा से भी स्ट्रेस आपका काफ़ी कंट्रोल रह सकता है। आप अपनी डाइट में कैफीन को कम कर दीजिए, अगर आप कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं तो उसकी वजह से भी आपको ये एंजाइटी और स्ट्रेस फेस करना पड़ सकता है, अगर आप तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं तो भी आपको ये एंजाइटी या स्ट्रेस हो रहा है, तो आपको इससे दूर रहने की ज़रूरत है। अब बहुत 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 ज़रूरी बात कि आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। आजकल के ज़माने में हम सब अपनी लाइफ में इतना बिजी हो चुके हैं, अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं देते हैं, अपने घर में किसी को टाइम नहीं देते हैं, बात करना हो तो सिर्फ मोबाइल के थ्रू, जबकि हम फेस टू फेस भी बात कर सकते हैं,
याद आती है तो बाहर जाने के बाद याद आती है, घर में फ़ोन कर लेते हैं लेकिन जब हम घर आते हैं तो घर आकर हम आपस में बैठकर बात नहीं करते हैं। ये भी बहुत बड़ा रीज़न है आपके स्ट्रेस का। जब आप फैमिली में टाइम स्पेंड करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो यकीन मानिए ये उतना ही इफ़ेक्टिव होता है जितना कि योगा एंड एक्सरसाइज। तो ये टिप ज़रूर फॉलो कीजिए, अपनों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, वीक में या मंथ में कम से कम दो बार किसी ऐसी जगह जाइए जहाँ पर थोड़ी ग्रीनरी हो, शांति का वातावरण हो और अपने परिवार के साथ समय बिताइए। और कुछ मूल मंत्र जो आजकल आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए अगर आप स्ट्रेस से दूर रहना चाहते हैं तो। कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए। देखिए, दुखी होने का कारण ही यही है कि जब हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं, चाहे वो हमसे ज़्यादा ऊपर हो चाहे वो हमसे ज़्यादा नीचे हो। ऊपर होता है तो हम सोचते हैं कि वो जहाँ है वहाँ पर हमें होना चाहिए, और अगर कोई नीचे होता है तो हम सोचते हैं कि आज हम यहाँ हैं देखो वो कहाँ। किसी को नहीं देखना, किसी को अपने साथ कंपेयर नहीं करना, क्योंकि उससे भी आपके अंदर एक डर पैदा होता है, एक एंजाइटी, एक होड़ पैदा हो जाती है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है। तो आप जैसे हैं वैसे खुश रहना सीखिए। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अगर आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं, और अगर सेटिस्फाइड नहीं हैं तो उसके लिए मेहनत कीजिए। दूसरों से कंपेयर अपने आप को मत कीजिए, आप अपना ही बेस्ट बनिए। आप आज जो हैं आप सोचिए कि मुझे आज इस सिचुएशन से बेहतर बनना है। अपने खर्चों को हमेशा लिमिटेड रखिए। देखिए, हम उधारी की ज़िंदगी जीते हैं तो उसमें बहुत स्ट्रेस होता है। जो भी है आज आपके पास उसमें संतुष्ट रहिए। सबसे बढ़िया बात यही होती है कि जो भी चीज़ें हैं उनमें संतुष्ट रहिए, आपको खुशी अपने आप मिलेगी। आप मेल हैं या फीमेल हैं, अपने पैरों पर खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, तो कोशिश कीजिए जितना जल्दी मेहनत कर आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे उतना ही आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, क्योंकि उससे एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड होता है। जब आप अर्न करने लग जाते हैं, जब आपके पॉकेट में पैसे होते हैं, तो आप खुद ही खुशी फील करते हैं। और ये सब झूठ बोलेंगे, ये पैसा खुशी नहीं देता, पैसा बहुत खुशी देता है, लेकिन उसका घमंड आपको नहीं करना है। लोगों की मदद करके चलना है, क्योंकि मदद करने से बहुत खुशी मिलती है। मुझे तो बहुत मिलती है, जब मैं अपने पास से कुछ किसी के लिए कर पाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। वही खुशी होती है, वही स्ट्रेस को कम करता है। याद रखें, जितना भी आप कमाएं उससे खर्चे हमेशा आपके कम होने चाहिए। पहले आपको इनकम बढ़ानी है और फिर खर्चे बढ़ाने हैं, लेकिन खर्चे हमेशा आपकी इनकम से कम होने चाहिए ताकि आपको मेंटली कोई प्रेशर ना हो। तो दोस्तों, आई होप आज का ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस और बनाऊं जिससे आपकी लाइफ में भी थोड़े से पॉजिटिव चेंजेस आएँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए।